नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेशिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, किनको होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। जनरली ये प्री टर्म, जो बच्चे 32 हफ्ते से पहले जन्म लेते हैं, उन बच्चों में देखा गया है पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेशिया। ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों में एक्वायर्ड भी होता है, जन्म लेने के बाद भी होता है कि भाई जन्म तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद हुआ। अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, उसके चारों तरफ, पैरी मतलब लेटरल वेंट्रिकल्स, जहाँ पे वाइट मैटर होता है, उसमें डैमेज हो जाना। डैमेज मतलब नेक्रोसिस हो जाना। अब ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, या तो ब्लड सप्लाई कम हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है। तो ब्लड ही ऑक्सीजन कैरी करता है ब्रेन में, तो वो कम हुआ तो वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ, टिश्यू गल गया, सड़ गया वाइट मैटर का। तो इस टर्म को हम बोलते हैं पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेशिया। ठीक है। या फिर बर्थ के दौरान कोई इंजरी हुई हो, या बर्थ के बाद बच्चा रोया नहीं हो तुरंत बाद, तो क्या होगा, लंग्स फूलेंगे नहीं और ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार एक्वायर्ड भी होता है कि जैसे पेशेंट को कोई फीवर आया हाई ग्रेड, उसमें फिब्राइल सीजर्स रहे और ब्रेन में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एक हाइपोक्सिया भी हुआ ब्रेन में। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी के ऊपर। आप यूट्यूब पे लिखे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो उसमें मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेशिया के बारे में। तो इसमें अब कैसे पहचाने कि ये हुआ है या नहीं है, तो आपको अपने बच्चे को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो चेक करने पड़ेंगे, जैसे कि 6 महीने का बच्चा बाय बाय कर सकता है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। 9 महीने का बच्चा भालू की तरह चल सकता है, दोनों हाथ दोनों पैर से, गुड़क लिया जिसे बोलते हैं, गुड़ गुड़ के चल सकता है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत है। 12 महीने का बच्चा पैदल नहीं चल पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये डिले है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। बच्चे को देखने में थोड़ी दिक्कत है, जब आप उसे बोलते हो हेलो बेटा, तो वो आपको सुन नहीं पाता है, प्रॉपर नहीं सुन पाता है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। या प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है मुंह से, खाली माँ यही बोल रहा है, 2 साल 3 साल की उम्र में भी माँ बा यही बोल रहा है, पूरा प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, या जिस एज में उसको बैठना चाहिए नहीं बैठ पा रहा है, तो ये हो सकता है पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेशिया हो। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, कैसे पहचानें कि ये पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेशिया है। एमआरआई इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। एमआरआई से हम पता कर सकते हैं वाइट मैटर में डैमेज है, हाइपोक्सिक इश्केमिक इंजरी है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। उसके अलावा अब और क्या टेस्ट करें, भाई हार्मोन टेस्ट करो, किडनी का टेस्ट, लीवर फंक्शन, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं है, थायराइड हार्मोन डिस्टरबेंस तो नहीं है, विटामिन डी कम तो नहीं है, विटामिन B12 का क्या स्टेटस है, तो सारा एक बॉडी प्रोफाइल हमें देखना पड़ेगा, और भी कॉजेज रूल आउट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई, कहीं और कारण तो नहीं है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें, हाउ टू ट्रीट। अब बोलते हैं इसका कोई क्योर नहीं है, तो देखो भाई क्योर पहली चीज मैं समझा देता हूँ, क्योर का मतलब आप समझते ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्योर क्या होता है। आज से 10 साल पहले कुछ बीमारियों का क्योर नहीं था, पर आज है, और जो आज क्योर नहीं होगा 10 साल बाद आएगा उनका भी क्योर। अब इसमें ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या है ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, तो वो समझते हैं। इसमें ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, क्योर मतलब क्या होता है, क्योर मतलब बिल्कुल ठीक, अब कोई टेंशन नहीं, दवाई लेने की जरूरत नहीं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा चल नहीं पा रहा है तो उसको चलने में हेल्प करेगा, वो वॉक कर पाएगा। बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो वो बोल पाएगा। बच्चा ढंग से सुन नहीं पा रहा है तो वो सुन पाएगा। तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर देंगे। बच्चे का IQ थोड़ा वीक हो रहा है तो उस IQ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो आम बच्चा कर रहा है वो ये बच्चा भी कर पाएगा। उम्मीद नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, हर चीज को समझना है। अब कैसे करेगा उस पॉइंट पे मैं आता हूं। आप मसाज एडवाइस करें बच्चे को, मसाज होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे मेडिकेशंस, कौन से मेडिसिंस, अब मैं बताता हूं आपको। ये क्या होता है, जब पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेसिया होता है तो उस समय ब्रेन में जब व्हाइट मैटर डैमेज हो जाता है तो इसका काम होता है कि अपने नर्व फाइबर से सिग्नल लेके मसल्स तक ट्रांसमिट करे, जैसे हाथ उठाना है, पैरों से चलना है, तो यहां पे ये जो सिग्नलिंग पाथवे है इसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो जब इसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे हमें वही काम करना है कि जो इस पाथवे को इंप्रूव करे वो मेडिसिन पेशेंट को एडवाइस करेंगे। जो डेली नए न्यूरॉन्स ब्रेन में प्रोड्यूस कर सके, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और डेवलप करे, तो वो चीजों में हम हेल्प करेंगे पेशेंट को। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ओवरऑल मेमोरी कम है तो मेमोरी बूस्ट करा जाएगा, ठीक है। मसल टोन कम आ रहा है तो मसल टोन को इंप्रूव किया जाएगा। तो यहां पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया जा सकता है। और अगर आपके भी परिवार में किसी को पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेसिया है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो हर इंडिविजुअल के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर, कुछ अदर कॉजेज होते हैं, तो उनको इंप्रूव किया जाता है। किसी में एनीमिया है तो उसका एनीमिया करेक्ट किया जाएगा, किसी में कैल्शियम डेफिशिएंट है कैल्शियम इंप्रूव किया जाएगा, और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।